अब जब स्टिक की बात कर ही रहे हैं तो स्टिक की फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, मतलब ये इतना भी मुड़ जाएगा ना तब भी कहीं से टूटने फूटने वाला नहीं है। नंबर 5 पर आता है हमारा आयमन का ये फ्रेम, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा कूल है। इसके लुकिंग का राज इसकी शेप में छुपा हुआ है। इसकी शेप यूनिक शेप है, एक ऐसी शेप है जो लगभग हर फेस पर सूट होती है। इसके मेटल वाले पार्ट की बात करते हैं, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है और ये गन मेटल कलर में होने वाला है। इस पीस को यूनिक बनाने वाली ये छोटी सी वाइट कलर की ग्रिप इसको अलग ही लुक देती है। इसके बाद इसमें प्लास्टिक की छोटी सी ग्रिप भी लगी हुई है जो आपको पीछे से टच होने पर एलर्जी वगैरह बिल्कुल नहीं करने देगी। नंबर 4 पर आता है आई केयर का एविएटर शेप रिमलेस फ्रेम, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा कूल है। अब गाइस एविएटर शेप एक ऐसा शेप है जो लगभग हर फेस पे सूट करता है और ये सबसे ज़्यादा सेल होने वाला, सबसे ज़्यादा बिकने वाला शेप होता है। यूनिक माना गया है अपने आप में ये। इस फ्रेम में जो ऊपर से अलग से मेटल वाला पार्ट लगा हुआ है वो इस फ्रेम को अलग ही लुकिंग देता है और ये जब हम इसे पहनते हैं तो अलग ही फील आता है। इसके मेटल वाले पार्ट की बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होने वाला है, गन मेटल में है, दूर से देखने पे ब्लैक लगने वाला है और काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। एलर्जी वगैरह आपको बिल्कुल नहीं करेगा क्योंकि इसका मटेरियल काफ़ी अच्छा है और वैसे भी मेटल वाला पार्ट आपके टच नहीं होने वाला है। प्लास्टिक वाली जो लास्ट में ग्रिप दी गई है यही केवल आपके कान के वहाँ पर टच होगी। नंबर 3 पर आता है मेरा फेवरेट आई प्लेयर का ये फ्रेम, जो कि दिखने में भाई बहुत ही ज़्यादा यूनिक दिखता है। इसके शेप की बात करें तो शेप भी इतना बुरा नहीं है, शेप भी बहुत ही गजब का है। चाहे तो आप शेप चेंज करवा सकते हैं लेकिन मुझे तो यही काफ़ी ज़्यादा पसंद है। काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है और पूरी की पूरी जो स्टिक है इसकी वो पूरी की पूरी प्लास्टिक में डबल कलर में दी गई है, मैट फिनिश में है। और इसका जो मटेरियल है स्टिक का वो ऐसा है कि वो कहीं से भी आपको चुभेगा नहीं, एकदम कम्फर्टेबल वाला फील आने वाला है इसको पहनने के बाद। फाइनली नंबर 2 पर मैंने लिया है टाइटन आई का ये फ्रेम। गाइस लुकिंग देखो इसकी शेप की, शेप इसका सबसे डिफरेंट है इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया है। साथ ही साथ टाइटन आई का है तो इसके फ्रेम मटेरियल पे तो आपको कोई शक करने वाली ज़रूरत ही नहीं है। फ्रंट में जो पार्ट लगा हुआ है मेटल का वो गन मेटल में अलग ही लुक दे रहा है भाई इसको। इसके नोज पैड भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है जो कि आपको कहीं से भी चुभेंगे नहीं। इसकी प्राइस की बात करें तो यहाँ पर आप प्राइस देख सकते हैं 1999। अब इसकी स्टिक की बात करते हैं, इसकी स्टिक ब्लैक होने वाली है और ब्लैक इस शेप के साथ काफ़ी ज़्यादा यूनिक भी लग रहा है। अब जब स्टिक की बात कर ही रहे हैं तो स्टिक की फ्लेक्सिबिलिटी की बात कर लेते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, मतलब ये इतना भी मुड़ जाएगा ना तब भी कहीं से टूटने फूटने वाला नहीं है। और लास्ट में फाइनली नंबर 1 पर मेरा अपना खुद का फेवरेट और आप सभी को भी ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है, ये है एक्सपोर्ट का रिमलेस फ्रेम, जो कि लुकिंग वाइज काफ़ी नेक्स्ट लेवल पे है भाई। मुझे स्पेशली ये बहुत ही ज़्यादा पसंद है। इसका शेप भी, आपको इसके शेप में कोई चेंजेस करवाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं लेकिन वैसे भी ये शेप बहुत ही कमाल का लगता है। इसके मेटल वाले पार्ट की बात करें तो इसकी जो स्टिक है वो इसे थोड़ा सा और यूनिक बनाती है। इसकी स्टिक थोड़ी सी बारीक होगी और लास्ट में जो है वहाँ से जाकर के वो थोड़ी चौड़ी हो जाती है, उस वजह से ये काफ़ी ज़्यादा कूल लुकिंग में दिखने लगता है। अब यहाँ से मैंने ये सारे फ्रेम आपको दिखा दिए, एक्सपोर्ट का होने वाला है, इसकी प्राइस मैं दे दूँगा। इसकी स्टिक देखिए एक बार, ये जो लास्ट में रबर दिया हुआ है, रबर का पार्ट दिया हुआ है, ये काफ़ी ज़्यादा कम्फर्ट है, इसकी वजह से आपको कहीं से चुभेगा नहीं, एलर्जी वगैरह नहीं होगा। और बीच में जो है स्टिक पूरी पतली सी है तो ये इसको भाई मतलब अलग ही लुक देती है। मुझे भी स्पेशली ये फ्रेम काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है इसकी इस क्वालिटी की वजह से। तो ये है हमारे टॉप 5 फ्रेम्स।